हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माधव फैमिली ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ सिरका प्याज की रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। और ये सिरका प्याज ऐसी है कि मतलब खाने में बहुत टेस्टी होती है। आप जैसे जिन चीज़ों के साथ प्याज खाना पसंद करते हैं तो उसके साथ आप खा सकते हैं। जैसे कि छोले के साथ हुआ, मटर पनीर के साथ हुआ, आप मतलब किसी के साथ आप खा सकते हैं। जैसे आप जाते हैं होटल में खाने तो वहाँ मतलब इस तरह की प्याज मिलती है। हम आपको वैसे ही घर पे बनाना दिखाएंगे कि हम कैसे सिरका प्याज बना के इजीली अपने घर में खा सकते हैं। फ्रेंड्स, यह है हमारे इंग्रेडिएंट जो सिरका प्याज में लगने वाले हैं। यह है चीनी, मिर्च, और ये कटे हुए बीट रूट, और यह है नमक, और ये हमारी प्याज है। हमारी प्याज जो है हमने इसे क्या किया है कि छील के ऐसे कट लगा दिया है। और ये हमारा सिरका है जो हमने 1 कप लिया है, सफ़ेद सिरका है ये, और 1/2 कप पानी है। तो हम आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे हमें एक बाउल ले लेना है। उस बाउल में हमें जो है ये हमारा सिरका है, हमें इसको इसमें डालना है। और फिर हमारा ये जो पानी है उसे भी इसमें डालना है। ये हमारा जो वीट रूट है हम इसी में इसको डालेंगे। ये हमारी चीनी हुई, हम इसको डालेंगे इसमें। और ये हमारा नमक, अब इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड, अब इसे हमें चलाना है जब तक कि हमारी चीनी जो है मेल्ट ना हो जाए। तब ये बीट रूट जो है हमारा कलर छोड़ने लगता है। और चीनी हम इसलिए डालते हैं कि हमारा जो सिरके का खटास और नमक है ये सब बैलेंस करता है, इसलिए हमें चीनी डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हमारी ये जो प्याज है हम इसको इसमें डालेंगे। इसे हमें फ्रेंड्स ढक के 24 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद ये क्या है कि 24 घंटे बाद आप मतलब ये खाने लायक हो जाती है प्याज। आप इसे एक कंटेनर में रख के और रख दीजिए, ये 24 घंटे बाद आपकी प्याज खाने लायक रेडी हो जाएगी। ये हमारी मिर्च है जो इसमें हमें डाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिर का प्याज बनके रेडी हो गई है। आप इसे 24 घंटे के लिए रख दीजिए और फिर आप सुबह इसे खा सकते हैं आप। और ये फ्रेंड्स इतनी जल्दी बनता है और टेस्टी बहुत होता है। आप बना के खाइएगा, फिर बताइएगा कैसे लगी आपकी सिर का प्याज, कैसी बनी है।